हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी शाम का वक्त है तो बच्चे मुझे लेकर आ गए थे घेर में और बोल रहे थे मम्मी घेर में चलो। तो अभी यहाँ पर जो है देखो रूम में हो गया है अंधेरा क्योंकि ये छप चुका है, ऊपर इसके प्लेट भी बिछ चुकी है और मैं आई हूँ एक दिन गैप लेके बीच में। मैं तीसरे दिन आती हूँ घेर में क्योंकि अभी यहाँ पे जो है ज़्यादा आनंद मना है बच्चों का भी, लेकिन मैं अपने साथ में बच्चों को लेकर आई हूँ। काफ़ी देर से ये लोग जो है मुझे परेशान कर रहे थे, मम्मी घेर में चलो चलो और फिर बनाएंगे हम खाना। खाने में बनेगा आज साग, तो चलेंगे। तो पहले इनको थोड़ा सा यहाँ पे जो है घुमा देते हैं बच्चों को कुछ इस तरीके से जो है पूरे घर में जो है ये देखो इसमें तुक्के लग गए और ऊपर ये बिछ गया। चलो भाई चलो, धूप हो रही, मुझे ले आई पहले ही तुम। नंदनी को लगी है भूख और इसे चाहिए रोने का बहाना, तो इसलिए ये स्टार्ट हो चुकी है घेर में आते ही। और पेड़ भी बड़े हो गए, पौधे भी बड़े हो गए, बच्चों के घेर में आते ही सारी चीजें बड़ी होगी। ये देखो, अरे देख कितना खतरनाक कीड़ा है। क्या है, जोंक है क्या? नहीं नहीं, कीड़े हैं ये ऐसे। और ये तो यहाँ से एक राल से छोड़ते हुए चले। और ये तो यहाँ से कुछ भी नहीं उड़ने देंगे इस तरह तो? नहीं नहीं, ये अभी खेत में तारे ना फिर नहीं आने के। ये देखो इस आरुषि को, फावड़े तो क्या कर रही, हमने बहुत धोखे खाए बेटा इसमें, फावड़े में क्या लग रही तू इसी तरह। ये देखो लग जगह बेटा, यो कदी राजी हो रहे हो फावड़े का हाथ लगा के हट जाओ। चलो बस बहुत हो गया, आ जाओ तो मैं एक चीज दिखाऊंगी। क्या? कीड़ा दिखाऊंगी बहुत बड़ा। कहाँ? वो कीड़ा ना आदमी को काट के घायल भी कर दे। कहाँ है दिखाऊं? आ जा। ये तो हमने कई बार देख रखा, ये कुछ छोड़ के जावे। छोड़ के जावे? हाँ। अच्छा, मतलब ये कून चूस के और फिर ये वाट केमिकल छोड़े पीछे। अजी हाँ, पता है ना तो इसके बारे में? फोन पे पूछ रखा हमने। ये देखो जो केमिकल वाइट वो हो जा ब्लैक। अच्छा, ये केमिकल फिर ब्लैक हो जा? और ये तो बहुत दूर तो छोड़ता आ रहा, देखो ऊपर चढ़ जाना। पहले तो यू अपना केमिकल लगावे, फिर कुंचूस है, फिर दर्द नहीं होता, केमिकल हो जो इसका। अजी हाँ, हमें पता नहीं चलता ही जब ये खून चूसते है। मम्मी मेरी बात सुनो, जब ये खून चूसते है फिर यू पहले यू वाइट वाइट सा केमिकल छोड़े और फिर यू मिट्टी के जैसे मिल जाए, मिट्टी में ऐसे ही हो जाए, फिर यू जाहिर हो वे। भाई देखो बालकों को तो पता क्योंकि ये तो यूट्यूब में देख लिया, मन्ने ने देखा भाई पहली बार देखा और वाकई बहुत लंबी, देखो इसने केमिकल छोड़ रखा पीछे तक। मम्मी जब यो केमिकल मिट्टी के अंदर जावे ना, इसके ना बच्चे पैदा हो जा, फिर वे बड़े धीरे धीरे बड़े होके ना बड़े हो जा। यहाँ पे है भाई एक जंगली कीड़ा, जैसे कि जंगली जानवर होता है, और ये डर गया है, सहम गया है क्योंकि इसे आवाज आ गई होगी और इसके बारे में और उसी कुछ और इफेक्ट बता रही है। डरे सबसे? हाँ बाबू, ये डरता नहीं। और क्या करे यो? ये किसी से नहीं डरता। हाँ किसी से नहीं डरता यो। हाँ, कोई बात नहीं है। कौन बोला झूठ? झूठ बोला, डरता नहीं यो, तीरा नहीं, डरता नहीं वो। उसे छोड़ दो, वो छुप गया, उसे अपने हाल पे छोड़ दो, उसे अपनी जिंदगी जीने दो और इधर आ जाओ, वो नुकसानदायक नहीं है। छोड़ा ना यो, जब यो पतला हो जा हट जाओ उसके पास से, छोटा भी हो जा, वो किसी तरह का नुकसान पहुंचाने वाला है नहीं। इधर आ जाओ, देखो बताओ नंदनी, इधर आके बताओ। हाँ उसकी पर ये खाने में मिट्टी खावे। हाँ, ये तो खाने में मिट्टी खावे बच्चे तल्ला। अकेला ही? हाँ, फैमिली इसकी बहुत सारी देख रखी है हमने। पापा जी देखो, एक दिन हमने एक कीड़ा देखा था ना ऐसे ही। हाँ, वो व्हाइट व्हाइट से छोड़ रहा था। हाँ वो वैसे ही तो कीड़ा। हाँ पापा जी वो ही है ना। आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ को चलो। बारिश के टाइम पे हो? हाँ, आ जाता होगा। हाँ हाँ, ये बारिश में निकल गया मैं भाई, बरसात का मौसम है, इस टाइम ना बहुत कीड़े हो जाए। ट्यूबवेल चलने की जरूरत नहीं है, परसों बहुत तगड़ी करके बारिश हुई है, ट्यूबवेल का पानी बेटा खेतों में जाता है और खेतों को पानी की अभी जरूरत नहीं है, समझ गए? तो जिन्ना तैयार हो जाता ना मैं ना छत पर घुमा देती, लेकिन जिन्ना तैयार नहीं है। तो भाई इन्होंने बालकों ने अपने जंगली जीव जंतुओं का यहाँ पर सर्वे कर लिया, इन्हें क्या क्या मिला आज वहाँ पे, इनकी नई खोज जो थी वो देख लिया आज इन्होंने कीड़े कंटों की।
और भाई लैंटर की तैयारी इतनी होगी, लैंटर अब 2-3 दिन के अंदर ये कंप्लीट होने ही वाला है। जब ना वहाँ ईंट लग रही थी है बहुत सारी, वहाँ ना एक सांप का बच्चा देखा था हमने। तो फिलहाल हूँ भाई मैं अपनी छत पे, अभी कच्ची छत है, अभी इस पे चद्दरें बिछी हैं, अभी लैंडर की तैयारी इस पे चल रही है और मैं चढ़ गया, मैंने मुहूर्त कर दिया इस छत का। तो यहाँ से व्यू दिखाऊँ भाई कैसा आवेगा, ये देखो इधर है गाँव और हमारा घर भी, और इधर हैं भाई खेत ही खेत हैं अभी तीन तरफ तो इसके। ये देखो यहाँ से जो है छत से इस तरह का व्यू होगा भाई। और 3 दिन से हमारे बेड़े में शामिल है भाई निर्मल। निर्मल अपना इंट्रोडक्शन दे दे भाई। और निर्मल है भाई अंकित के भतीजे। अंकित को आप सब जान ही रहे भाई, कई महीनों से यहाँ पर लग रहे, उससे पहले अमित के घर लग रहे थे और कार्य को खूब गति प्रदान कर रखी। परसों को टारगेट रखा गया भाई, बाकी राम जी की मर्जी है बारिश ना हुई तो, क्योंकि इनका भी बहुत खलल पड़ रहा भाई जब से बनना शुरू हुआ। और आप सब जानते ही हैं देखो कितने दिनों से काम चल रहा है यहाँ पे, मुहूर्त तो इसका हो गया था जड्डों में ही और फिर से जड्डे आने वाले, इतने दिन हो लिए भाई निर्मल से, और बस ये तेरे हाथों से ही होना संपूर्ण लैंडर का काम। और मैं आ गई अभी घर और घेर में है गुड्डू के पापा, मैं भी गई थी देखने के लिए, लेकिन ऊपर मैं चढ़ नहीं सकती अभी जब तक सीढ़ियाँ नहीं बनेगी जिन्ना, तो वे तो चढ़ गए थे संदली पापा टेक के। और ये देखो माँ कर रही थी मेरा इंतजार क्योंकि मुझे जलाना है चूल्हा, प्रीति गई है मार्केट में कुछ सामान लेने के लिए। और ये देखिए ये पालक कल साफ करके रखा था इसी टाइम और ये इतना सारा गल गया। माँ ये तो कोई बात ना हुई है, गर्मी में ख़राब हो गया। मानू कह रही मैंने कल साफ करके ही धो दिया था, मैंने सोचा सुबह को बनेगा, सुबह को नंबर नहीं आया क्योंकि 2-3 सब्जियाँ रखी थी। और ये देखो ये ख़राब हो गया इतना सारा, ताज़ा पालक था बिल्कुल। तो इसे काटना शुरू करोगे, अंडी ले आऊंगे ऊपर तक ठाके हैं, तो इसका साग बनाऊंगे मैं और माँ जब तक प्रीति आओगी, जितना भी प्रोसेस होगा वो उतना कर लेंगे भाई। साग में बना देती, मैंने कहा था प्रीति को मैं कहा उबाल गए इसे और जार में पीस लूंगी, तो मैं कह रही थी नहीं घोटने से ही पीस जाएंगे, मैंने कहा तुझे टाइम लग जाएगा, कहने लगी 5-10 मिनट का काम है। ये देखो चलो भाई चूल्हे में जीने लगा दिया माँ ने, इतने में इसमें पानी रखूँ और माँ इसमें कटेगी। तो गाइज माँ ने यहाँ पर प्रोसेस चालू कर दिया है और ये चीज़ हमारे घर में बन रही है काफ़ी दिनों बाद, ये देखिए। तो माँ भी पालक काटने में एक्सपर्ट है जैसे प्रीति काटती है, लेकिन क्या करें काफ़ी अंधेरा हो जाएगा जब तक वो लोग आएंगे, तो इसलिए माँ ने जो है कार्रवाई शुरू कर दी। बाकी सब मैं खुद देख लूँगी, लेकिन ये काम बड़ा मुश्किल लगता है मुझे। तो सुबह के टाइम डेयरी से मंगाया था दूध, तो उसे भी लगाना है, दही जमाई थी उसकी, तो दही जमा के तैयार कर दी थी और फ्रिज में रख दी थी ताकि खट्टी ना हो। तो मक्खन भी बनाएंगे आज, तो अभी जो है शुरू करेंगे वो वाली चीज़ भी एकदम बिल्कुल देसी तरीके से जो है सबको बढ़िया बना कर खिलाऊंगे आज। चलो भाई माँ तो लगी हुई है उधर, चूल्हा भी बस थोड़ी देर में खुद ही जल जाएगा, उसमें फूँ फूँ करने की ज़रूरत नहीं है। और बच्चे चले गए भी ऊपर वाले रूम में क्योंकि नीचे उनका ज़्यादा देर तक जी नहीं लगता बिल्कुल भी। और ये भी कितने बढ़िया मज़े से बैठे देखो एकदम, ये देखो सो रहे एकदम, तो सारे के सारे कितनी आराम की मुद्रा में है। एक डब्बर से छोटू को देख माँ कितना अड़का सा है, किस तरह सोया है यो, हमें तो देख के भी डर लग जाए इसे, इस तरह सोया है पाँ फला का सोया पूरा चौड़ा हो गया, डर लगा इसे देख के भी जिस तरह सोया और मुँह बाहर रखा। अभी मौसम भी थोड़ा ठीक हो गया ना इनके हिसाब से, देख लो क्या कह रहा हूँ। नु कह रहा मम्मी अब मैं सो जाऊँ क्या, अब सोने का टाइम है मम्मी, फिर जब आप रिकॉर्डिंग करो स्कूल तक, तो मैं स्कूल जब आप रिकॉर्डिंग करके सर लाइट जला रखो, मतलब इसने दोपहरी का तो भर दिया बहाना, जब ये स्कूल में से आ गया मैं रिकॉर्डिंग करती रहूं और सारी लाइट जलाए रखूं, लाइट में ऐसा नींद नहीं आती। सबसे बड़ा पंगा इसके साथ ये है, रात के टाइम भी अपने आप लाइट बंद कर। तो भाई जब तक माँ उसे डंडी आ रही ना साकू, तो तब तक मैं लहसुन और जो अदरक है उसे पीस लेती हूँ एक जगह काट के। तो अदरक तो इसमें घिस के सही आएगा, ये देखो ये बढ़िया काम करे और अदरक भी एकदम ताज़ा ला रखा अरविंद भैया ने। तो भाई माँ यहाँ बना रही अल्लन, ये देखो, और ये छान लिया आटा और थोड़ा सा बेसन दोनों का मिक्स करके कह रही माँ, तो दोनों का अच्छा अल्लन जाएगा इसमें, ये देखो। और तब तक इसमें भी खद्दा लग जाएगा,
ये देखो पक गया ना यूं, बस इसे घोटना बाकी है। और बेसन को छानेगी जरूर, माँ छने हुए को डर लगा हमने, क्योंकि मैंने अभी कुछ मसाले ना अभी छान कर रखे थे सारे के सारे उसमें डब्बों में और डाल दिए थे। कभी याद ऐसा हो जाना हम जल्दीबाजी में रहे हैं तो एकदम से डाल लें, लेकिन बरसात का सीज़न है ना तो इसलिए किसी का भी मन नहीं मानता। देखो थोड़े बहुत में छोटी छोटी पिड़ाई हो ही जाए इन सब चीज़ों में। तो अभी इसमें नंबर आ गया है अलन डालने का, ये देखो ये माँ ने डाल दिया इसमें अलन और घोट भी लिया। माँ कह रही बस ये तो दो ही कटोरी है, मगर चल जितना भी है खराब तो नहीं होने का। देखिए जी ये जमी हुई है दही, और थोड़ी सी मैं आप उसके लिए निकाल दूं क्योंकि वो बाकी सब्जियां नहीं खाएगा, दही से ही खा लेगा। और इसको ऐसे चला दो, शक्कर ही जम रही है एकदम। और ये तैयारी ना साग बनाने की पहले से ही करी जा। रोज चीज का लो मरी थी भाई मुने की हलवा रोज खा रहे हैं। अच्छा मिर्च और लहसुन जो है पीस दिया, और ये अदरक भी ले लेंगे और माँ इसमें से ही डाल देगी। लो माँ अदरक भी ला रही मैं। तो जी ये डाल दिया माँ ने इसमें लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। हरी मिर्च हमने पहले ही डाल ली थी, और ये अदरक ये देखो, और साग के हिसाब से ही माँ ने इसमें क्वांटिटी डाल ली है। ये जो रई के फूल है ना ये भी बिल्कुल लिपटे रहे हैं मक्खन से, और देखो मोल तोल का दूध आ रहा है उसकी तो बात ही अलग हो। तो दोनों चीजों में डिफरेंस है, घर के दूध में और मोल तोल के दूध में। तो ये मोल के दूध का रिजल्ट है देखो। खैर हमें इस चीज से क्या लेना, हमें तो छा पीने के आज, क्योंकि छा पीने का मन कर रहा था सबका साग के साथ और मक्खन खाने का। तो जी 2 लीटर दूध में तय ये मक्खन निकला, शुद्धता की पहचान, 1 कटोरी मक्खन। अभी रात के बजे हैं 11 और हम बना रहे खाना, क्योंकि आज लेट नाइट तक जो है घर में काम चल रहा, तो अभी सब लोग खाए और बाकी घर के सदस्यों ने तो खाना खा लिया। आपने खा लिया? अरे हमें आ रही थी नींद, मुझे तो नींद आ रही थी यार। मैं गुड्डू को प्रीति को मैंने कहा था, मगर मुझे आवाज लगा दी, इतना सोचा कभी सो गए हो या फिर अपना काम कर रहे हो, क्योंकि आज पूरा दिन गुड्डू के पापा का तो बिजी शेड्यूल है। अभी बजे हैं रात के 11:30 और खाना पीना सबको खिला दिया। अभी फिर से 1 घंटे का काम रह रहा, और मैंने बोल दिया अगर आपको चाय की जरूरत होगी तो चाय बनवा कर भिजवा दूंगी मैं, क्योंकि अमित यही है। और ये देखो पूरे 11:30 बजने वाले हो रहे, अभी 5 ही मिनट है बस। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस ब्लॉग का कर देते हैं अभी एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर तो सब्सक्राइब करें।